गाइस वेलकम बैक टू चंडीगढ़ ब्यूटी चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक मैजिकल होम रेमेडी शेयर करने वाली हूं और इसको हम ट्राई करने वाले हैं अपने हाथों पर। जी हां, अगर आपके हाथों पर बुरी तरीके से टैनिंग हुई है प्लस आपके हाथ बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है। आज की वीडियो में जो मैं होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, अगर आप इसको ट्राई करेंगे, वीक में आप एक से दो बार अगर इसको ट्राई करते हैं तो ट्रस्ट मी, आपको पार्लर जाकर महंगे महंगे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर पर ही अपनी स्किन को बेदाग और निखरी बना सकते हैं और इसको आप अपने हाथों, पैरों और गर्दन पर अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, काफी अच्छी होम रेमेडी है। इस त्योहार में आपके पैसे बचाने वाली हूँ तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो उनको अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। लाइव रिजल्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर रिजल्ट आपको फर्क लगेगा, दिखेगा कि हाँ इस होम रेमेडी ने वर्क किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं कि इस होम रेमेडी को मैंने बनाया कैसे है। अभी हाथ आपको थोड़े से डल लग रहे होंगे और नेल्स भी मेरे थोड़े येलो येलो से पड़ गए हैं और वीक होकर टूटने भी लगे हैं, तो मैं नेल्स पर भी लेमन को अप्लाई करूंगी क्योंकि नेल्स को भी मजबूती प्रदान करता है लेमन। साथ ही हाथ पर ऊपर की तरफ इस तरीके से पूरे हाथ पर अप्लाई कर रही हूँ। ये मैंने बेसन ले लिया है और उसके साथ मैंने लिया है ये दही और मैं लूंगी ये टमाटर। तो ये तीनों काफी अच्छी होम रेमेडी है, हमारी स्किन को निखारने का भी काम करती है। स्किन पर थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं उनको भी दूर करके काफ़ी हद तक स्किन को सॉफ्ट भी करती है। तो हाफ टमाटर का कमाल आप देखना कि इस हाफ टमाटर ने हमारे हाथों को कितना क्लीन और गोरा चिट्टा कर दिया। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पर बहुत सारी वीडियो हाथों को गोरा करने की डाल रखी है, वो सब आपको पसंद आई है तो सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। तो इन तीनों को मैंने मिक्स करके हाथों पर इस तरीके से लगाना शुरू कर दिया है। मैं फुल हाथ पर अप्लाई कर रही हूँ, जैसे वीडियो में भी आप आगे देखेंगे तो इस तरीके से मैंने स्पून की हेल्प से इसको अप्लाई कर लिया है। आप चाहे तो ब्रश या फिर आप अपने हाथों से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से फुल हाथों पर मैंने इसको अप्लाई करा है और जब ये सूखने लगा था आप देख सकते हैं 10-15 मिनट ही मैंने रखा था और ये सूख नहीं लगा था। तब मैंने पहले सबसे पहले क्या करा कि टमाटर ले लिया जो कटा हुआ था वो ही, और इसको इस तरीके से रब कर रही हूँ। फिर सादे पानी के साथ मैंने अपने हाथों को वॉश कर लिया है और रिजल्ट देखना आप, है ना कितना बेहतरीन रिजल्ट। और दोनों हाथों में आप अंतर देख सकते हैं। इस वाले हाथ पर मैंने अप्लाई नहीं करा था, इसलिए नहीं करा था ताकि मैं आपको अंतर आसानी से दिखा सकूं और आपको भी अच्छे से समझ में आ सके कि ये मैं इसको क्यों मैजिकल होम रेमेडी बोल रही थी। और देखिए बिल्कुल रिजल्ट आपके सामने है, दोनों हाथों में कितना अंतर दिख रहा है और नेल्स भी काफ़ी हद तक साफ हो गए हैं और नेल्स भी मजबूत होते हैं अगर इस तरीके से आप लेमन अप्लाई करते हैं तो। और बाद में मैंने बॉडी लोशन लगा लिया है क्योंकि अब थोड़ा मौसम भी चेंज हो चुका है तो हाथ ड्राई ना हो, इसके लिए बॉडी लोशन अप्लाई करा है। तो आपने देखा कि इस होम रेमेडी को बनाना और लगाना कितना आसान है और काफी इफेक्टिव है। हर स्किन टाइप के लोग इसको यूज कर सकते हैं, गर्मी हो या फिर सर्दियों का सीजन, हर सीजन में ये आपकी स्किन को निखारने का ही काम करेगी। और अगर आप इसको सर्दियों में लगा रहे हैं तो जैसे मैंने बाद में बॉडी लोशन लगाया, आप बॉडी लोशन भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई है तो। फ्रेंड्स, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना विद बेल आइकन। और अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।